बहुत अच्छा लग रहा है, मेजोरली चेंज हो रहा है, हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो ईस्टर्न म्यूजिक को चोरी करके हो, जो कुछ भी हो, चलो एक्सेप्टेबल। लेकिन लिरिकली जो वल्गरिटी, विजुअली एंड लिरिकली जो चीज़ शुरू हो गया अभी, इसमें ये डायरेक्टर या समहाउ हीरोज ऑल्सो सबका इंटरफेरेंस होता है। वो बोलता है कुछ ऐसा गाना दीजिए ना जिसमें पब्लिक के रोते खड़े हो जाए और खुद खड़े हो जाए। तो अभी पता नहीं वो क्या क्या बोलना चाह रहा है उसमें, बट ये जो इंटरफेरेंस के वजह से ये नेक्स्ट जेनरेशन या बच्चे, हमारे जो बच्चे होंगे, हर एक का, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये लोग क्या गाना सुन के बड़े हो रहे हैं और क्या गाना सुन के ये बड़े जब होंगे, जब रास्ते में जाएंगे, मेरे को लगता नहीं है कि 12 साल की उम्र में कोई लड़की को आप घर में बांध के रख सकते हो इस तरह के गीत अगर सुनते रहेंगे। और 12 साल के लड़का को भी आप रोक नहीं सकते हो वो कुकाम करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं इसको रोकना चाहिए। लिरिक्स के बारे में मैं किसी भी हल्क पर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लिरिक्स को पावरफुल करना ही पड़ेगा, भले म्यूजिक में जो चल रहा है वो चलने दो, नो प्रॉब्लम, बट लिरिकली ये पावरफुल होना चाहिए। एक मैसेज सोसाइटी में जाता है, एक पॉल्यूशन सोसाइटी में फैल रहा है जिसका असर हम सारे इंडिया का जो टेलीविजन चैनल खोलने से, जो न्यूज़ चैनल खोलने से जो दिखता है आपको रोज का, आपको लगता है कहीं ना कहीं लिरिक्स, कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड में दाई है उसका असर। एक गाना था बस्ती में जा रहा था, बस्ती की बात कर रहे हैं, उसमें उसमें खराब थोड़ी नहीं था, मस्ती, हां मस्ती था, थोड़ा सा पानी, हां आई थिंक आप दोनों का ही गाना था। हां एंड व्हाई डोंट यू सिंग दैट सॉन्ग, टू लाइन इन बस्ती। अच्छा रस्ते से जा रहा था, हमने बात की कि तो आप लोग, तो आप लोग हमें गाने की बात इसलिए की ताकि हमको गाने को बोल सके, बात इन्होंने शुरू की। नहीं नहीं आस्था, ताकि तो आप लोग हमको प्रोग्राम करने के लिए लाए हैं यहां पे। चलिए अच्छी बात है, शो आज भी हो रहा है, उस दिन भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो गाना गाना ऐसा था, वो गाना ऐसा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको धक्का लगा तो अच्छा, सॉरी धक्का के जरा मिट्टी आ गया, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो नैना लड़ा रही थी, रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी, तुझको मिर्ची लगी धक्का लगा तो मैं क्या करूं, ओ तेरी नानी मरी तो मर जाने दो। यही सब जो दिख रहा है ना, अभी जो बैठे हम लोग किया ना, यही सब चीज स्टेज के ऊपर होता है। बट लेकिन एक बात मैं कहूं शानू जी, आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज टुडेस दिस थिंग, दिस इज अ फेज। लिरिक्स भी आप पसंद करते हो? नहीं नहीं, ये लिरिक्स आज के जो आज के गानों का ना, गाने का तो मैं भी पसंद करता हूं, पसंद नहीं करती हूं, पसंद नहीं करती हूं, लेकिन ये सोसाइटी में, फैशंस में, हर चीज में चेंजेस आते रहते हैं और दौर आते रहते हैं। ये एक दौर आया है इस तरह का, होपफुली इट विल पास सून। जो इस तरह के, जो अजीब तरह के, जो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आई डोंट लाइक इट पर्सनली, बट इट्स समथिंग दैट द यूथ लाइक्स। व्हाई दे लाइक इट, दे कंप्लेन कि ये बहुत नहीं, लाइकिंग का इसमें देखो, लाइकिंग का व्हाई दे, तुम बोला ना अभी ये वो लोग क्यों, ये लाइकिंग कराया जाता है सुबह से, हैमरिंग कर। अभी 200 चैनल में आप जो भी कोई भी चैनल खोलो और उसमें अगर आपको वही सुनाई दे, 12 महीने में से 12 तरीके से प्यार करूंगा रे, अगर वो सुनाई दे तो गाना तो सुबह से लेकर रात तक अगर 200 बार एक चैनल में लगाओगे तो गाना तो हैमर करके अंदर डाल के वो आदमी लड़का भी सोचने लगेंगे कि